बकचोदी चली गई दादा दो था सुखा था अब बोल मुझे बोलने नहीं दे रहा यार ये मेरा ये जो गेस्ट है वो होस्ट ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है बट कोई बात नहीं हम आ मुझे होस्ट बनेगा साला मेरा कॉन्सेप्ट चलाएगा भाई हम तो मर गए इसको देख के भाई ओके हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट ये कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल गेस्ट होने वाले हैं आज के क्योंकि इनका ऑलरेडी एक शो है जो कि है डोंट स्पीक टू मच और ये क्या करती है ना सबको अपने शो में बुला के टॉर्चर करती है मतलब है कि अलग अलग क्वेश्चन कुछ गंदे क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चन कुछ सड़े हुए पके हुए हर तरह के क्वेश्चन पूछती है तो हमने सोचा वी आर प्रिविलेज्ड एंड वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी तो हमने सोचा क्यों ना होस्ट को इस शो में बुलाते हैं और उन्हीं के शो को करते हैं कॉपी जो कि होने वाला है डोंट स्पीक टू मच ऋषभ एडिशन गाइस सो गाइस आप अभी तक तो समझ ही गए होंगे बट एक फॉर्मेलिटी होती है सो गाइस लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट इन डोंट स्पीक टू मच ऋषभ एडिशन मिस श्रेया कलरा वाओ जल्दी बोलो आप बहुत ही सुंदर सुशील इंदौर की जानी मानी हस्ती बार बार झूठ बोलो हमारे सामने आ गई है तो आ जाइए फटाफट से फिल्म में वैसे तो आप सब काफी ज्यादा फेमिलियर होंगे सो हाय श्रेया कलरा सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन मैं क्यों तो इंट्रोडक्शन आई डोंट नीड इंट्रो आपको कुछ बोलना है हमारे शो में आपको कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ गई है वैसे तो आप इंटरेक्ट किया आपकी आवाज तो आई गई इससे पहले वाली वीडियो में बट आप क्या कहना चाहेंगे आज नमस्ते दर्शकों मैं बहुत इंटरव्यू लेती हूँ आज तक मेरा किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया इसकी जरूरत हुई है कि ये डोंट स्पिल टू मच कॉपी करेगा तू साले कॉपी नहीं ऐसा कि मैंने पहले ही बोला कि मैं करने वाला हूँ सेम चीज ये लोगों पर करती है सो नाउ पूरा लंबा चौड़ा क्वेश्चनियर हमारे पास ऑलरेडी है प्रिपेयर्ड वी आर ऑल सेट एंड जैसा कि सबसे कहती है प्लीज अपने आप को बिल्कुल मत रोकना और एकदम ऑनेस्ट आंसर देना एंड स्पिल द बीन्स और व्हाटएवर यू वांट टू स्पिल जस्ट स्पिल इट आउट This is yeah. आपकी बातों से आप हक सकते हो और वो आप हमेशा करते हो everyone knows. So let's do. Okay. तो मिस श्रेया के लिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन वो है जो आप यूजली डीएम करते रहते हो या तो हमारे पोस्ट पे कॉमेंट करते रहते हो या फिर इन्होंने अपने शो में किसी दूसरे इंसान से वो पूछे हैं सो वी आर एक्चुअली गोइंग टू फॉलो दैट एंड कुछ बहुत ही अच्छे गेम्स भी हम खेलेंगे So for that, you have to check out the whole video till the end. So guys, I think it's time to start the Q&A. So let's start. So the very first question, which already you all are asking so much, जहाँ एक लड़का बहुत सारी लड़कियों को नहीं देखेगा बट उनकी प्रोफाइल नेटफ्लिक प्रोफाइल्स देखेगा और वो चूज करेगा कि किसके साथ उसको डेट पे जाना है तो ऐसे दो एपिसोड थे ये दूसरा एपिसोड शूट करने आया था मैं दूसरा एपिसोड शूट करने आई थी बेसिकली इसके एपिसोड में ये बेचारा आया इसको वापस भेज दिया उस टाइम में मैं बनारस से मुंबई फ्लाई करके आया था शूट करने आई डोंट नो उन्होंने मुझे क्यों बुलाया उन्होंने इसमें क्या देखा देखा तो बहुत कुछ एक्सपेंस दिया मुझे उन्होंने स्टे दिया एंड मुझे दिया उन्होंने तुम्हें एक बहुत बड़ा बर्डन दिया मेरी लाइफ का आई हेट यू गाइस हाँ देन वी वर ऑन द सेट और मुझे लगा कि मे बी मुझे नहीं हमें हम तीन लड़कियों को इसके साथ डेट पे जाना है तो मैंने जाके ऐसी बात कर ली एंड गाइस लेट मी टेल यू ही वाज माय फैन ओके ही सॉ रोडीज एंड किसी डायरेक्टली हाई बोल दूं ऐसे रैंडम किसी को देखकर ये मेरे पास आए थे इन्होंने पहले मुझसे हेलो बोला था ओके हेलो बोला था ऐसे नहीं बोला चलो मेरे घर हाय 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 आई एम श्रेया मैंने ऐसे बोला था हाय आई एम श्रेया हमें तुम्हारे साथ डेट पे जाना है एंड ही वाज लाइक के मुझे नहीं पता फिर उन्होंने बोला कि आई हैव सीन यू इन रोडीज आई एम योर बिग फैन यू डिड ग्रेट ऑन द शो एंड ही ऑलरेडी फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम बिफोर वी मेट नो 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 नो
Don't lie to the audience. Why will I be a fan? I was a fan of the show. So you were there. So you are. Aap ye dikha rahi hai yaar. Aap भाई हम तो मर गए इसको देख के भाई, मेरी तो बोलती नहीं निकली, ठीक है। तो क्या हुआ, वो एपिसोड जो हमारा शूट हुआ, इसका भी शूट हुआ, उसमें राउंड्स थे, ठीक है। मैं वो आप उसमें ऐड कर सकते हो, प्लीज ऐड कर देना इसमें। मैं एंड तक चली गई थी और ये शायद दिखे ही नहीं उसमें। तो क्या इसको बुलाया शूट करने के लिए, पर लड़की ने उसको पहले ही रिजेक्ट कर दिया। नेटफ्लिक्स प्रोफाइल देखिए, क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिंग वगैरह नहीं देखता है, तो उसकी प्रोफाइल नेटफ्लिक्स की बोई हूँ, इसलिए लड़की उसको रिजेक्ट कर दिया। अब अच्छा लड़की रिजेक्ट किया, तभी हमारे पर आके धराया और हम दोस्त बने। अगर ये कमिटेड होता तो शायद मैं सिर्फ बात ना करती, क्योंकि मैं किसी और बहन का घर नहीं खुलवाना चाहती। A few moments later. बेसिकली इतना बोलने के बाद भी आई नो आपको क्लैरिटी नहीं मिली होगी, तो मैं थोड़ा फ्री बता देता हूँ इन्होंने जो भी बोला है। कि बेसिकली हम लोग मुंबई में एक नेटफ्लिक्स यूट्यूब इंडिया के लिए शूट हमारा था, वहाँ पे मिले थे, उस सेट पे मिले थे, एंड वहीं से हमारी फ्रेंडशिप हुई। एक्चुअली सब इधर उधर लाइफ में मूव ऑन कर गए, हम दोनों साथ में स्टक कर गए। दिसंबर में मिले थे एंड मई में मैं मूव हुआ अप्रैल में, एंड उसी के बाद हम लोग फिर अगेन जिम में टकरा गए, सेम जिम में जो जिम मैंने ज्वाइन किया था, और ये जिम में वहाँ पे ऐसी तफरी मारने आई थी किसी फ्रेंड के साथ। तो फिर अगर लगा कि अरे यार चलो लेट्स हैंग आउट, और उसके बाद हम लोग मिलने लगे। नाउ वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। ओके, आई थिंक ये अभी आपको बेटर आइडिया लग गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर सेकंड क्वेश्चन। वन थिंग वी हेट अबाउट ईच अदर। ओनली वन? आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके बताओ आप। ओके, वन फर्स्ट इज वेरी लेजी। हु? यू। हाउ कैन अ लेजी पर्सन हेट अनदर लेजी पर्सन? दिस कैसे हो सकता है दुनिया में? आपके अंदर जो क्वालिटी भर भर के है, कोई क्वालिटी भर भर के है और वही क्वालिटी सामने वाले के अंदर भी है। आपकी 10% ऊपर 10% नीचे, बट आपको वही क्वालिटी सामने वाले पसंद है। वाह, मुझे तुम्हारी क्वालिटी क्या एक्टिंग करती है। I hate that he is very lazy, क्योंकि मैं भी lazy हूँ। तो अगर मैं lazy हूँ तो इसको motivate करना चाहिए कि चल यार let's go, let's hit the gym and do this and that। ये भी जब ढीला ढाला होकर बैठ जाता है ऐसे, और हम दोनों सोफे पे बैठे रहते, कुछ नहीं करते, memes देखते रहते। ओके, तो आप मुझसे पूछोगे मुझे क्या पसंद है? मुझे भी यही पसंद नहीं है। मुझे भी कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो अगर मैं lazy हो रहा हूँ तो मुझे बोले चल उठना यार, चल चलते हैं, बट नहीं, बैठ जाते सोफे पे memes देखते रहते हैं। इस वीडियो को हम चार पार्ट में रिलीज करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा है और दो क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि ये अनफ है यूट्यूब वीडियो के लिए। मेरा मित्रा होस्ट बार बार जाग जाता है। इफ यू डोंट नो, यू कैन चेक आउट माय मित्रा स्टूडियो पेज। थर्ड क्वेश्चन इज, इफ यू आर इन स्प्लिट्सविला दिस सीजन, हु डू यू थिंक वुड हैव बीन योर आइडियल मैच इन द बॉयज गेम? ध्रुविन। टेक्निकली वाज नॉट इवन इन द शो, आई एम जस्ट किडिंग। अपार्ट फ्रॉम यू ना, ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम यू, मतलब करना ही है ना, वैसे करना ही करना है, नो नहीं बोल सकते। यू नो एवरीवन राइट? या यू हैव सीन द शो ऑलरेडी लाइक समवेयर समहाउ, यू हैव सीन द इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑफ द पीपल। I have not met everybody. One person I've met through him is Kashish Thakur. ठीक है, he sweet बंदा है और chill है, और हमने साथ में football खेला है, तो अगर होता तो I would have gone with him. Nice. Just because I've met him and he's decent. He's not my type though. अच्छा, तो what's your type? That's long list. Okay, cool. So guys, let's move on. Moments later. Someone who's very loyal, faithful, sweet, thoda beard ho, yeah, tall. What's the funniest thing you read online recently about us? Okay, so there was this one comment, jisne hamari reel pe comment kiya tha, ke isne to isko kutta bana diya. Usne hamari reel pe comment kiya tha. समझ रहे हो? कुछ और ऐसा कोई फनी चीज जो आपने सुनी हो? ये सुना है कि हम बहुत क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, बट दैट्स नॉट फनी ना, दैट्स द ट्रूथ कैन बी डिसअपॉइंटिंग ऑल्सो समटाइम्स।
That's for sure. Next question. One rumor that you found funny about yourself and wished it was true. Rumor जो आपको funny लगता हो या ऐसा जो आपने rumor सुना हो, तो आपको जो लगता है जो true हो आप चाहोगे जरूर सच हो. कि मेरा net worth है 300 crores. ये rumor किसने सुना है? किसने सुना है? किसने लिखा है website पे? ₹3 नहीं होंगे. मैं खुद ऐसे लोगों से मिलना चाहता हूँ जो हमारे ऊपर YouTube वीडियो बनाते हैं. मैंने खुद अपना देखा था, there was this video on YouTube जिसमें लिखा था कि my name is this, I belong from this city, my net worth is also mentioned. मैं जानना चाहूंगा ऐसे लोगों से कि उनके पास कौन सा ऐसा कैलकुलेटर. वो तो मैंने बताया कितना लिखा है. तो अभी हम गूगल करने वाले हैं लाइव आप सभी के सामने. चलिए अभी गूगल कर रहे हैं ऋषभ जायसवाल नेटवर्थ 80 lakh rupees. जानना चाहूंगा कि आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो. डू यू हैव आवर पैन कार्ड नंबर? डू यू हैव आवर बैंक अकाउंट डिटेल्स? डू यू हैव आवर जीएसटी पिन? माई मंथली सैलरी 20 lakh. कम है ज्यादा कमाते हैं. What was my first impression on you? Usually लड़कियां बेहोश हो जाती है, बट आई थॉट ही वाज वेरी अग्ली. नाउ यू गाइस नो दैट शी इज नॉट इवन ऑनेस्ट. जनता के पास आंख है, वो देख सकती है. मुझे लगा ये बहुत फनी है. आई वाज आई स्टिल आई स्टिल विल यू लेट मी टॉक? तो करे क्या, बोले तो बोले क्या. हाँ बोलिए मैम. ओके, मुझे लगा कि ये फनी है और बस मुझे ये लगा कि इसके जो बाल थे ना वो ब्लैक कलर के नहीं थे, ब्राउन है. पता नहीं कैसे छपरी में लोग कराते हैं. टिकटॉकर वाली वाइब उसने मुझे दी और फनी लगा. डिसेंट था कि हाँ स्मार्ट है, फनी है, पर बाल इसके छपरी थे. हमने पता, मैंने सेट पे इसके साथ ही सबसे ज्यादा वाइब किया था. अच्छा, ऐसे कैसे टिकटॉकर छपरी के साथ अपने वाइब कर लिया? आप भी तो छपरी है इसका मतलब. हाय फाइव. ये भी छपरी है, क्रिंज छपरी सब. ये भी है. समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई आर वी नॉट डेटिंग? वी आर डेटिंग, यस. वी आर अबाउट टू हैव किड्स. वी आर अबाउट टू हैव वन होल फ्रीकिंग हाउस जिसमें हमारे 3 बच्चे होंगे और 7 कुत्ते. एवरीथिंग इज प्लान्ड. इट्स जस्ट इसको हाँ बोलना है. हाँ नहीं बोल रहा है मुझे. Okay, the reason we are not dating is because we are better off as friends. I have dated people and I have been heartbroken because kahin na kahin commitment issues hai mujhe, trust issues hai, aur main bahut zyada relationship mein rehti hu to insecure ho jati hu. Mujhe lagta hai ki ye aankh utha ke bhi kyun dekh rahe hai us ladki ko. Yeah, I am possessive like that, which is very wrong. तो मैं ये बर्डन इस पे नहीं थोपना चाहती और जो दोस्ती है हमारी प्योर इतनी सुंदर सी उसको मैं खराब नहीं करना चाहती. बोल तो ऐसा नहीं, लड़का एकदम बिछा हुआ है, बस हाँ बोल दीजिए मैडम, आपके कदमों में गिरा हूँ, प्लीज हाँ बोल दीजिए. तो आई एम नॉट डेटिंग. कैन मी एंड इफ यू आर अ फ्रेंड तो एक अलग ही वाइब होती है. बाकी रिलेशनशिप में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है लोग बदल जाते हैं. कुछ ऐसे रेयर लोग होते हैं जो नहीं बदलते हैं एंड आई थिंक दे आर वेरी लकी एंड गॉड ब्लेस देम. रेगुलर डे आपकी लाइफ का कैसा लगता है? आप सुबह से शाम तक या रात तक या दोपहर तक या भोर तक क्या करते हो? वेकअप अराउंड 1. मैं जैसे ही उठती हूँ मेरे पाँव में मखमल की चप्पल आ जाती है, पैरों में डाल देगा और इधर बात सो आ जाता है. निकलती हूँ बाहर, छोटू भैया मेरे हाथ में जूस देते हैं. मैं जूस पीती हूँ और फिर अपना रूटीन चालू करती हूँ. ऑनेस्टली मैं 1-2 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि रात को मैं बहुत ज्यादा लेट सोती हूँ. 4-5 बजे की मैं कॉन्टेंट शूट कर रही होती हूँ या कॉन्टेंट लिख रही होती है, जिम में होती हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला. 4-5 बजे आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन. 4-5 बजे मैं उठती हूँ, टायर्ड हो जाती हूँ. उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ. उसके बाद मैं ब्रश करती हूँ और फिर मैं आके गुरुमुखी पढ़ती हूँ. कभी कभी हफ्ते में 3 बार तो मैंने देखा चले जाएगा मुंह बंद बना. ठीक है, उसके बाद मैं खाती हूँ ब्रेकफास्ट.
इसके बाद मैं फिर मैं इसको कॉल करती हूँ कि क्या शूट करना है और फिर हम लोग साथ में स्क्रिप्ट राइटिंग राइटिंग करते हैं और फिर हम लोग मॉस स्टूडियो में मिलते हैं और शूट करते हैं 7-8 बजे तक। उसके बाद हम लोग घर आते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर हम लोग जिम जाते हैं और ऐसे करते करते रात की 1 कब बज जाती है हमें पता नहीं चलता। दिस इज अ नॉर्मल डे, वेरी बोरिंग डे। नो इट्स फन, मखमल की चप्पल से सब अच्छा लग रहा है भाई। आई थिंक हमारा काम बहुत डिफिकल्ट है अगर वो इंसान करे जिसको ये काम नहीं पसंद। आई लव माई वर्क, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं टायर्ड हूँ, आई कैन वर्क 24 आवर्स पर डे एज वेल। Even I agree because I am from the same field. So. इसी के साथ इन्फ्लुएंसर बनना है तो एडिटिंग सीख लेना, फोटोशॉप सीख लेना, कैमरामैन को 2-3 पकड़ लेना और बंदी बना लेना, एक बंदी बनाना कंटेंट करने के लिए। That's it. Then you'll get lot of money. All the best. And next question is, अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है, ठीक है? Who do you talk to from your season and also from the overall MTV family? So basically आपको बताना है कि आप अपने सीजन, आपके अपने रोडीज के सीजन में आप किससे अभी आपकी बात होती है, आपको लगता है कि नहीं यार ये इंसान है, he or she is still my friend, और ओवरऑल क्योंकि we are from the MTV family, so we met a lot of people from Spirits Villa or from other season of reality shows, so आपको बताना है कि ओवरऑल भी कौन सा इंसान है जिसको आप पसंद करते हो। तो एक है फ्रेंड पूनम इज वन दैट आई रियली लाइक, शी इज अ वेरी नाइस पर्सन बट वी डोंट टॉक रेगुलरली, ऑल्सो शी इज द ओनली वन, बाकी तो सब फेक, आई डोंट लाइक। जैसे आई थिंक आई डोंट वाइब विद पीपल जो शो तक रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आरुषि ने मुझे अनफॉलो कर दिया, आरुषि चावला आरुषि, ठीक है? तो अगर आप मुझे अनफॉलो कर रहे हो, आपको मुझसे रिश्ता नहीं रखना, तो मैं नहीं एफर्ट लगाऊंगी रखने का, तो मैंने भी अनफॉलो कर दिया। लाइक समवन्स कंटेंट आई फॉलो देम, आई डोंट, मुझे ऐसे नहीं एटीट्यूड नहीं कि मैं क्यों करूं, बट अगर सामने वाला उतना एफर्ट नहीं लगा रहा है वो कंटिन्यू रखने में, तो इवन आई अनफॉलो। एंड अपार्ट फ्रॉम पूनम, हामिद इज नाइस पर्सन बट मेरा उससे वाइब नहीं इसलिए बैठ पाता है क्योंकि वो कभी कभी बहुत मीन चीजें बोल देता है। आपको नहीं, मेरे पड़ोसियों को। He has said some things to me जो मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी है। क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे वो चीजें क्या थी? नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, from the MTV family, आप किसको लगता है कि कभी भी कॉल कर सकते हैं? Still you have the vibe. I think Dhruv, you have also met Dhruv. Yeah, must Dhruv have. Dhruv is like my closest friend from MTV and he's nice. He's I think he's going to be there if I need him and I'm going to be there if he needs me. Nice. That's called friendship. Also Vyomesh. But Vyomesh is not my friend. But he's a nice person. I like him. Next question is going to be really interesting. I was asking this question inside, but I didn't get an answer. Nahin mila. So it's a direct question. Yeah. Who do you hate from the MTV family? I do not hate anybody. I'm not a person who's going to contain that hatred for people in my life ever. Mujhe grudges nahi hote, but one person that I don't really like because of her nature is Sapna Malik. Kya bol de rahe ho aise aise chup 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 chup. It's because she made me feel like an outsider because hum log saath mein Goa trip pe gaye the and bahut sare instances aise hue. She made me feel like an outsider aur welcoming nature nahi hai uska and she bitches about people a lot, which I really hate. I feel अगर आपके पास कोई अच्छा नहीं है बोलने के लिए तो आप बुरा मत ही बोलो, तो बस I don't hate her, but I उसके साथ मेरा कभी vibe नहीं होगा, I can never be friends with her. Okay सपना, so मैं आपको DM करूंगा आज, let's be friends. तेरी तो मर्डर कर दूंगी मैं, दाता दोता सुखाता सारे पोता रपना question. और ये segment हमने उठाया है श्रेया के खुद के शो से, जिसमें पूछती देती है 3 ऑप्शन और बोलती है 3 ऑप्शन को चूज करिए विद 3 पीपल. तो हमने चूज कर रखा है 3 लॉन्डो को फ्रॉम द ओवरऑल एमटीवी फैमिली एंड ऑप्शन देना है मुझे 3 और इनमें इन्हें सेलेक्ट करना है. सो इनके शो से इंस्पायर्ड है, सो आई डोंट हैव एनी कंट्रीब्यूशन इन दिस वन. सो द ऑप्शंस आर, यू हैव टू चूज खाना बजाना एंड नहाना फ्रॉम द एमटीवी फैमिली एंड द ऑप्शंस आर, हाउ कैन यू फकिंग कॉपी इट, सिद्धार्थ, अभिमन्यु एंड भावेश.
आई वॉन्ट टू किल ऑल थ्री, इज दैट फाइन? नो, आपके पास ऑप्शन है, आप किसी एक के साथ खाना खा सकती हैं, किसी एक के साथ बजाना जा सकती है, बजाना मतलब बजाना, और किसी एक के साथ नहा सकती है, यानी नहाना। कितने गंदे क्वेश्चन पूछते हो। और ये जिसका क्वेश्चन है उसे मारो तुम लोग। मैं तो कह रहा हूँ अनसब्सक्राइब करो, मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, सुंदर सुशील चैनल है, बहुत ही अच्छा है। ऑलरेडी हम लोग 17-18 हजार पे पहुंच चुके हैं, बहुत ही जल्दी एक नंबर जा रहा है सब कुछ। इधर आओ सारे सब्सक्राइबर्स। द ऑप्शन इज खाना बजाना खुजाना, सॉरी इसका खुजाना पसंद करेंगे आप, सॉरी ऑप्शन खाना बजाना नहाना, सिद्धार्थ अभिमन्यु एंड भावेश। जनता जवाब जानना चाहती है। तो खाना मैं खाऊंगी भावेश के साथ, क्योंकि मैं बजाओ ना नहीं खाऊंगी उसके साथ। क्यों? ऐसा ऐसा क्या रीजन है, कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन? नहीं, मुझे उसका खाना ही खाना है, अच्छा अच्छा है उसका चॉइस खाना खाने, क्योंकि वो जिम विम करता है तो मुझे लगता है कि वो डाइट फूड खिला सकता है मुझे। तो बजाओ मतलब बजाओ ना, उसकी बजा दूंगी मैं। नहीं बजाओ डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। ओके, तो नहाऊंगी मैं। ये देखो अभी इतना बेचारी सुशील बिहेव कर रही है, अपने शो में यही क्वेश्चन 12-15 लोगों से पूछ चुकी है आज तक, और ऐसा मैंने बजाओ मतलब तो मैं उसकी बजा दूंगी ना, अभी खुद ही मैनिपुलेट करना चाह रही है अपने क्वेश्चन को। अब नहाऊंगी मैं सिट के साथ, लगता है वो लंबा है तो सही है, आज का पानी वही कवर कर लेगा। मैं अभिमन्यु को, जैसे आपने बोला लंबा है तो उसके साथ नहाना चाहते, तो अभिमन्यु के साथ बजाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि I think he looks good. Yeah, boy. He looks cute. बस मेरा आंसर है, मेरी मर्जी यार, मुझे उसके साथ ही नहाना है, मुझे उसके साथ नहीं है खाना। तो आगे बढ़ जाते हैं, ये एक एक क्वेश्चन के ऊपर ना एक पूरा YouTube वीडियो बन सकता था, बट चलो हम कोशिश करेंगे कि हम इसे सम अप कर ले। कितने वन गर्ल यू थिंक यू डिजर्व टू कम इन दिस सीजन ऑफ स्प्लिट्सविला, यानी कि इस सीजन में वो लड़की जो जिसे आना ही नहीं चाहता इस सीजन में, और आपको लगता है वो डिजर्व नहीं करती, या फिर ये कह सकते हो कि कोई मतलब नहीं था उसका रहना या ना रहना इस शो में। देयर आई नॉट वॉच्ड द होल सीजन, तो आई डोंट इवन नो। तो फॉरगेट अबाउट द होल कंटेंट, यू नो द गर्ल्स, या यू हैव सीन द फेसेस, या टेल मी हुम डू यू थिंक कि वो आपको क्या इंट्यूशन फेस से देखने से आया, या फिर वाइब से आया कि आपको इन्हें स्पिरिचुअल में होने की जरूरत नहीं थी खास, ऐसा वाला वाइब आया? Mehak, I think, shouldn't be there in the Mehak show. Mehak was the wild card. She was the wild card. Yeah. I think कभी नहीं show, और मैं किसी के लिए बोल दूँ she didn't deserve to be there. उसकी खुद के struggles होंगे, कुछ करके ही आई होगी obviously बंदी. But I feel शायद उसने कुछ किया नहीं, और जो भी drama था वो थोड़ा fake लग रहा था. कशिश और आकाश लीना का जो भी drama था, it looked really fake on the camera, on the screen when we watched it, like जो भी Instagram पे था, तो it looked fake. कैसा लगा पहली बार आंसर करते हुए? उन्होंने ऑलरेडी इतना सारा क्वेश्चन पूछ पूछ के रायता मचा चुके हैं वो अब बाकी सारे सीजन में, तो इस बार हम जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा उस सेम कटघरे में खड़ा होके। तुम्हारे क्वेश्चन सुन के मुझे टट्टियां लग गई हैं। मस्त मजा आया भैया। पागल लड़की है भाई। मुझे बहुत मजा आया इसके YouTube चैनल पे, पहली बार मुझसे इतने सवाल पूछे, आई फील कि मुझे अटेंशन मिला है काफी ज्यादा इसका YouTube चैनल। प्लीज सब्सक्राइब मत करना। बाय, लव यू, बाय बाय गाइस, टेक केयर। एंड इस वीडियो को हम करते हैं सम अप, ऑलरेडी वीडियो हो गया बहुत लंबा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू कमेंट कि नेक्स्ट आप क्या चीज देखना चाहोगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।